ड्रग्स लेने का काम भी चल रहा है। 1, 2 and 3 अगर आप देहरादून आते हो ना तो भाई यहाँ पर जरूर आना। हाँ जी, तो क्या हाल चाल, मैं हूँ सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। तो भाई व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यार आप सभी को दिल की गहराइयों से थैंक यू, धन्यवाद, बिकॉज हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बट गाइज हमें यहीं नहीं रुकना है, आप आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, बिकॉज हम आपको ऐसे ही ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, और उत्तराखंड से बाहर भी हम आपको ऐसे प्लेसेस दिखाने वाले हैं। तो ज़रूर से इसी तरह से इन फ्यूचर भी आप सपोर्ट करते रहना। तो अगेन यार थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो आते हैं आज के व्लॉग पे। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है देहरादून के एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, क्लेमेंट टाउन के ऊपर, जिसके अंदर हम आपको बुद्धा टेम्पल दिखाने वाले हैं। काफ़ी प्लेसेस हम आपको बुद्धा टेम्पल के अंदर दिखाने वाले हैं, मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। तो ज़रूर से आप एंड तक देखना, हर व्लॉग को लाइक ज़रूर से करना। और हाँ गाइज मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया यार व्लॉग नहीं आ रहे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद। एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस की प्लानिंग चल रही है, तो थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है जल्दी ही वो प्लेस हम आपको दिखाएं। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, बिकॉज मिस हो जाएगा आपसे कुछ। तो चलो फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये देखो भाई बुद्धा टेम्पल की मेन एंट्रेंस। सो गाइज हियर इज़ अ पार्किंग ऑफ बुद्धा टेम्पल, और यहाँ पर टू व्हीलर के पार्किंग के चार्जेज है 20 रुपीज़, और फोर व्हीलर के 50 रुपीज़, एंड जो टेम्पो ट्रैवल है उसके 100 रुपीज़ यहाँ पे पार्किंग के चार्जेज हैं। सो गाइज ये है मेन मोनेस्ट्री, और इसके अंदर आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप वीडियोग्राफी वगैरह करना चाहते हो तो इसके अलावा आप स्टूपा देख सकते हो, बुद्धा की आप स्टैचू देख सकते हो, बट अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। वैसे तो देहरादून में घूमने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बट अगर आपको पीस शांति पसंद है तो देहरादून का बुद्धा टेम्पल आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। देहरादून क्लेमेंट टाउन में लोकेटेड बुद्धा टेम्पल 1965 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और इसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। इस बौद्ध मंदिर का निर्माण कोचेन रिनपोचे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर कराया था। इस बुद्ध टेम्पल को एशिया का सबसे बड़ा मिनरोलिंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, और ये मिनरोलिंग मोनेस्ट्री वर्ल्ड के 6 मोस्ट फेमस मिनरोलिंग मोनेस्ट्री में से भी एक है। एक खास बात और, ये मोनेस्ट्री तिब्बती कम्युनिटी के 4 सबसे मेन स्कूल्स में से भी एक है। सो गाइस हमने मोनेस्ट्री को अंदर से देखा, भाई इतनी ब्यूटीफुल है अंदर से। इसमें जो पेंटिंग्स बनाई हुई है वो हाथों से बनाई हुई है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है। हम आपको भी दिखा दें, बट यार अंदर अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी, तो आप ज़रूर आना यहाँ पे, खुद आप इंजॉय करना यहाँ पे, इस प्लेस को अंदर से देखना कि कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। सो गाइस ये है ग्रेट स्टूपा। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इट्स स्टूपा। ये स्टूपा 28 अक्टूबर 2002 में बनाया गया था। इट इज 185 फीट इन लेंथ एंड 100 स्क्वायर फीट इन विड्थ। अ 2 acres lush green garden surrounds the magnificent great stupa. One more thing, the artwork of the stupa is a magnificent example of Buddhist art. हमारे नेचर के लिए भाई काफी ब्यूटीफुल मैसेज है, प्लीज पुट गार्बेज इन डस्टबिन। तो सब फॉलो करना जब भी यहाँ पर आओ, बिल्कुल भी जो कूड़ा कचरा है डस्टबिन के अलावा कहीं मत उसको फेंकना, सिर्फ डस्टबिन में उसको डालना। और यहाँ पर शांति बहुत है, बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत ब्यूटीफुल ये प्लेस है। तो गाइस इसको आपको रोल करना है और एक मंत्र बोलना है, ओम मणि पद्मे होम।
सेवन टाइम्स ये आपको मंत्र बोलना है। ये भाई बहुत ज्यादा वेटेड है, बहुत जान लगती है इसको घुमाने में। एंड गाइस जब आप इसको रोल करते रहोगे ना, तो जब आपका एक राउंड हो जाएगा ना, तो ऊपर बैल बज जाएगी। ये आप देख सकते हो अभी बजेगी 1, 2 एंड 3। गाइस अगर आप देहरादून आते हो ना, तो भाई यहाँ पर जरूर आना, मस्ट विजिट प्लेस है ये, काफी ब्यूटीफुल है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ भी आ सकते हो, एंड आप पीस फील कर सकते हो। सो गाइस ये है बुद्धा टेंपल की मार्केट, देखो अंदर से। सो गाइस बुद्धा टेंपल के अंदर घूमते घूमते अगर आप थोड़ा भी रिलैक्स करना चाहते हो, तो मार्केट के पास ही यहाँ पर सिटिंग एरिया है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। हम भी यार बहुत देर से घूम रहे हैं, तो ये है देखो, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है और यहीं पर मार्केट है। अगर आप कुछ खाना पीना करना चाहते हो, तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आप कर सकते हो। ये कार विश्वगुरु दलाई लामा जी अपने पर्सनल यूज आने जाने के लिए यूज किया करते थे। 24 अप्रैल 1986 में इस व्हीकल का हिमाचल में रजिस्ट्रेशन हुआ था। देन 2013 तक दलाई लामा जी ने इस कार को यूज किया। देन 6 जुलाई 2019 को देहरादून के मिंडोलिंग मॉनेस्ट्री में टूरिस्ट के देखने के लिए इस व्हीकल को रख दिया गया। ये है गुरु पद्मसंभव। पद्मसंभव मींस बॉर्न फ्रॉम लोटस, कमल से उत्पन्न, ऑल्सो नोन एज गुरु रिनपोचे एंड पॉपुलरली नोन एज द सेकेंड बुद्धा। गुरु पद्मसंभव तिब्बत में तिब्बत बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक के रूप में जाने जाते थे, जो 749 ईस्वी में तिब्बत में प्रकट हुए और 54 ईयर्स उन्होंने तिब्बत में ही बिताए। सो गाइस ये है बुद्ध भगवान की स्टैचू, जो आप देख सकते हो 103 फीट इसकी हाइट है। इस स्टैचू को देखने के लिए ना भाई पूरी मॉनेस्ट्री हमने कवर की, बट यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ा सा अलग आना पड़ेगा मॉनेस्ट्री से, तब जाके आप बुद्ध भगवान का ये स्टैचू देख सकते हो। टेंपल जाने से पहले आप क्लेमेंट टाउन की लेक भी देख सकते हो। ये बुद्धा टेंपल से 400 मीटर्स पहले मिल जाएगी। यहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हो। सो गाइस यहाँ से आप व्यू का मजा लो और यहाँ से सन बाथ भी ले सकते हो। भाई देखो आप, बिल्कुल अलग ही यहाँ पे वाइब है। देखो आराम से लेटो और सन बाथ लो आराम से, भाई रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्लेस है यार ये प्लेस, भाई एकदम अल्टीमेट है यार, मस्त एकदम। और भाई सबसे बढ़िया बात क्लेमेंट टाउन की जो मुझको लगी, यहाँ पर ना आपको जगह जगह पर ना डस्टबिन्स मिल जाएंगे, तो अगर आप भी आते हैं तो जो कूड़ा कचरा है, चिप्स वगैरह जो भी आप खाते हो, वो डस्टबिन में डालना, इधर उधर मत फेंकना। नेचर क्लीन है, इसको क्लीन ही रहने देना। यहीं पर ना भाई ड्रग्स लेने का काम भी चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये एक मंकी है और भाई ये दबा के ना ड्रग्स ले रहा है। ये देखो भाग गया। क्लेमेंट टाउन, जिसके अंदर आप बुद्धा टेंपल देख सकते हो भाई, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करना चाहते हो, इवनिंग वॉक करना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, सो आप यहाँ पे आ सकते हो। यही था गाइस आज के ब्लॉग में, हम मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में। काफ़ी अल्टीमेट ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट वाला, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। जो चैनल पर न्यू है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना,
बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही अमेजिंग नेचरिस्टिक कंटेंट मिलते रहते हैं। सो हम मिलते हैं आपको किसी न्यू ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।